हेलो जी, स्वागत है आपका नए दिन में। और ये मेरा होटल है जहाँ से अभी मैं बाहर आया हूँ। खैर, वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता लग गया होगा, मैं जा रहा हूँ दुनिया के चौथे सबसे छोटे कंट्री में, और वो है लिशेनस्टीन। ठीक है, अब ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप थोड़ा सा समझ लोगे कि स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा काम करता है, कौन सी ट्रेन लेनी चाहिए, कौन सी ट्रैम लेनी चाहिए, आपको कैसे पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह थोड़े कम पैसों में। ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं कि एक ऐप है स्विट्ज़रलैंड में, sbb.ch, उसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। इस ऐप में आप स्विट्ज़रलैंड में कोई भी एक जगह से दूसरी जगह के आप टिकट ले सकते हो। दूसरी बात, अब चलो बात करते हैं कि डिस्काउंटेड टिकट्स पर। स्विट्ज़रलैंड में दो तरह के कार्ड आते हैं, एक तो है डेली सेवर पैक। डेली सेवर पैक का जो प्राइस है वो है 50 स्विस फ्रैंक के आसपास, 52 स्विस फ्रैंक। अगर वो मौका मिले तो ले लो, क्योंकि उससे सस्ता, मतलब आपके ज़्यादा ही पैसे लगेंगे हमेशा स्विट्ज़रलैंड का जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में। अभी सिंपल एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, ये मेट्रो है, 3 स्टेशन छोड़ के भी अगर आपने कहीं जाना है ना, तो आपके 5 स्विस फ्रैंक लगते हैं, मतलब ये हो गया 450-450 रुपया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, ये तो 3-4 स्टेशन है जिसको आपने क्रॉस करना है। अगर एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, 4-5 हज़ार रुपये का यहाँ किराया है। ठीक है, डेली ट्रैवल पास वो आता है 52 स्विस फ्रैंक का। उसमें आप क्या कर सकते हो, पूरे स्विट्ज़रलैंड में आपको हर बस फ्री है, आपको स्विट्ज़रलैंड की ट्रैम्स फ्री हैं, ट्रेन्स फ्री हैं, और इवन बोट्स भी फ्री हैं। अब जैसे मैं जा रहा हूँ आज लिशेनस्टीन, इसकी जो टिकट कॉस्ट है एक तरफ की वो है 40 फ्रैंक। ठीक है, आना जाना हो गया 80 फ्रैंक का। अगर यही मेरे पास कार्ड होता 50 फ्रैंक वाला, तो मेरे को तो 50 फ्रैंक में मैंने आना जाना कर लेना था, और पूरा आज का दिन मैं स्विट्ज़रलैंड की गाड़ियों में फ्रीली घूमता। लेकिन मेरे पास ये कार्ड अब नहीं है, मैं नहीं ले सका। दो कारण, पहला कारण तो ये है, इसकी कार्ड की अगर मैं आज लेना चाहूँगा कीमत है 115 स्विस फ्रैंक। इसलिए कह रहा हूँ जितना एडवांस कराओगे उतना सस्ता मिलेगा। और दूसरा कारण ये है कि इस कार्ड को आप एक दिन पहले ले सकते हो, मतलब अगर मैं आज ले रहा हूँ तो ये कल से एक्टिवेट होगा। दूसरा एक कार्ड है और है, वो आपको 120 स्विस फ्रैंक का पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी जाओगे ना, हर टिकट आधे दाम में हो जाएगी, उसको हाफ सेवर पैक कहते हैं। ठीक है, 120 स्विस फ्रैंक का वो पैक है, वो एक साल के लिए वैलिड है। जैसे मैं अगर 100 फ्रैंक वाला वो कार्ड लेता, 120 फ्रैंक वाला, जो मेरी ये जर्नी है ना, 80 फ्रैंक का खर्चा आया, ये मेरे को सिर्फ 40 फ्रैंक का खर्चा आता। तो जी, अब यहाँ से मैं ट्रेन में जा रहा हूँ लिशेनस्टीन। लिशेनस्टीन दुनिया का चौथा सबसे छोटा कंट्री है, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर कंट्री है। मेरे ख्याल से 10,000-15,000 के करीब इसमें बस लोग रहते हैं। 25 किलोमीटर का इसका डायमीटर है, और इसके बारे में क्या बताएं, ये जो कंट्री है ये ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में सैंडविच की तरह बना हुआ है। ठीक है, जो मैंने ऑनलाइन टिकट बुक की है ना, इसमें साफ लिखा हुआ है, जैसे ये देखो कि ज्यूरिख से मुझे S4 गाड़ी लेनी है जो मुझे ज्यूरिख स्टेशन पहुंचाएगी। ज्यूरिख से नहीं, ये मैनेक है जो मेरा स्टेशन है जहां मेरा होटल है, मैनेक से गाड़ी पकड़नी है जो मुझे ज्यूरिख सेंट्रल स्टेशन पहुंचाएगी। वहां से मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाना है, और IC3 गाड़ी पकड़नी है जो मुझे सरगंस पहुंचा देगी, सरगंस से ये पहुंचाएगी वादूस। तो लिशेनस्टीन की जो कैपिटल है वो है वादूस, सबसे बड़ा शहर है लिशेनस्टीन का। जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है वो है शान। कुछ कुछ डबल डेकर लगे हुए हैं, तो मैंने वो भी कंफर्म किया, वो भी सेकंड क्लास ही है, कोई फर्स्ट क्लास के डब्बा नहीं है। मैं पहले सोच रहा था कि वो फर्स्ट क्लास के डब्बे हैं। तो यहाँ एक ही ट्रैक है, एक उसी ट्रैक में एक गाड़ी इस तरफ जाती है, उसी ट्रैक में गाड़ी इस तरफ ज्यूरी की तरफ जाती है। तो मुझे ज्यूरी की तरफ जाना है, तो मैं वेट करूँगा जब अगली गाड़ी आएगी। मशीन यहाँ लगी हुई है, टिकट वेंडिंग मशीन। कल जब मैं नया नया आया था ज्यूरिख में, तो मुझे बिल्कुल सब कुछ अजीब ही लग रहा था, लेकिन अब सारे फंक्शन पता है कि किसका मतलब क्या है।
आपको बता देता हूँ शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज कर लेना अपनी, शॉर्ट डिस्टेंस है, छोटा मोटा डिस्टेंस है, आपने लेनी है टिकट। वैसे आप सिंगल टिकट की लोगे हमेशा, सिंगल टिकट है 4:40 की, ठीक है। 24 आवर्स टिकट भी मिलती है, 24 घंटे में पूरा स्विट्ज़रलैंड फ्री हो जाएगा, मतलब ज्यूरिख फ्री हो जाएगा। 8, ये डबल रेट है इसका, 8.80 की। और ज्यूरिख एयरपोर्ट की टिकट है, जोन अपग्रेड छोड़ो, मल्टीपल टिकट्स। तो अदर डेस्टिनेशन में अगर आपने कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाना है तो आप उसका नाम भर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये कुछ भी भरोगे, क्योंकि जो आप सिंगल टिकट या रिटर्न टिकट बुक करवाते हो ना स्विट्ज़रलैंड में, वो वैलिड होती हैं अगले दिन सुबह 5 बजे तक के लिए। जैसे मैंने आज 11:30 बजे बुक करवाई है, ये टिकट मेरी वैलिड रहेगी अगले दिन सुबह 5 बजे तक। ये सारी वो हैं जो सिंगल टिकट और रिटर्न टिकट वाली, जो शॉर्ट डिस्टेंस वाली जो टिकट्स हैं वो सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड रहती है। हाँ, जब आप टिकट ले लोगे ना तो आपके ऐप में ऐसे टिकट बन के आ जाएगी, और आपने टीटी को ये क्यूआर कोड दिखाना है। जब क्यूआर कोड खोलोगे तो ये क्यूआर कोड बना आएगा, ये साफ लिखा हुआ है कि वैलिड टुडे 12 बजे से लेकर कल सुबह 5 बजे। आपको पास बताना और भूल गया, स्विट्ज़रलैंड का ट्रैवल पास आता है 3 दिनों का, उसकी जो फीस है वो है 232 फ्रैंक। 232 फ्रैंक में आपको पूरा स्विट्ज़रलैंड फ्री हो जाए। साथ में जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो कुछ ट्रेन्स चलती है ना, जो पैनारोमिक सीनिक ट्रेन्स है, जो टूरिस्ट ट्रेन्स है, जैसे एक तो ग्लेशियर एक्सप्रेस चलती है, एक दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन है बर्नीना एक्सप्रेस, वो चलती है, वो भी फ्री है। गाड़ी आने वाली है, उस तरफ फाटक लग चुका है दोनों तरफ। आज ना मैं डबल डेकर कंपार्टमेंट में बैठूंगा ऊपर जाके। चुका हूँ मैं ज्यूरिख स्टेशन पे, यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाना है मेरे को, तो ये बना हुआ है 3 से 18 ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा ना स्टेशन घूमता हूँ यार, अच्छा लग रहा है। कल वाली जगह पे आ गया, यहाँ पता क्या है, एक्चुअली मुझे लगता है जो इंटरनेशनल स्टेशन है वो ऊपर बने हुए हैं, जो नीचे लोकल वोकल है वो नीचे हैं। अब जैसे मेरी 7 नंबर ये सरगंज जाने वाली है, 1:38 पे जाएगी ना, तो अभी 10 मिनट हैं, उससे पहले मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। तो ये आपको बता दूँ कि नीचे मैं वॉशरूम में गया था, और वॉशरूम में जाने की कॉस्ट है मात्र 2 स्विस फ्रैंक, 170 रुपये। मैं अब बस इससे अंदाज़ा लगा लो आप, अभी देखो दरवाजे सारे बंद पड़े हैं ना, अब यहाँ से खोल रहे हैं। ये शायद फर्स्ट क्लास ही है, 1 लिखा हुआ है ना, 1 मतलब फर्स्ट क्लास। हाँ, अपने सेकंड वाले आगे सेकंड क्लास, भैया ये ध्यान रखना वो फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये लिखा हुआ है नंबर 2। तो This is first class or second? No, this is second. Yes, both second, first. It's preferred. We'll have to consume something. तो शायद अंकल जी कह रहे थे कि फर्स्ट सेकंड कनेक्टेड है। तो ये हम आगे बैठे हैं सेकंड में, फर्स्ट में तो टेबल वेबल लगे हुए थे यार। 1:38 पे गाड़ी शुरू होनी थी और पूरे लगभग टाइम पे शुरू हो चुकी है,
138 पे। तो जी सरगंस में पहुंच चुका हूं। सरगन एक लास्ट म्यूनिसपैलिटी है स्विट्ज़रलैंड की, एकदम उसके ईस्टर्न सेक्शन में। तो इसके बाद यहां से शुरू हो जाता है लिशेनस्टाइन का एरिया। ये थी ट्रेन, 40 मिनट लगे लगभग आने में। और यहां से मुझे बस पकड़नी है सरगंस से वदुत्स के लिए। वदुत्स यहां से 20 किलोमीटर और है। और ये इस तरफ क्या खूबसूरत नज़ारा है ये भाई। मैंने यहाँ का रेट चेक किया, जो वॉशरूम्स को यूज़ करने का ना, यहाँ सस्ता है, यहाँ ज्यूरिख के मुकाबले सस्ता है, सिर्फ 1 यूरो है। तो वहाँ ज्यूरिख में 2 यूरो था। और जो ये लिशेनस्टाइन कंट्री है ना, इसका अपना कोई इमिग्रेशन बॉर्डर चेक पॉइंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली रास्ता है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जब आप इस कंट्री में जाओ और आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प लगे, तो फिर आप वहाँ एक पर्टिकुलर ऑफिस बना हुआ है बॉर्डर पे, तो आप उनके पास जाके कुछ पैसे देकर अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लगवा सकते हो। नहीं तो ये लोग तो स्टैम्प तो दूर पासपोर्ट भी चेक नहीं करते हैं। बहुत छोटा सा कंट्री है, इसकी जो टोटल जीडीपी है ना, वो $6 बिलियन है। और आपको हैरानी होगी जानकर कि $6 बिलियन में से जो $3 बिलियन है, वो इस देश का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो सिर्फ उसी के हैं। ऑब्वियसली अगर 30-35-40 किलोमीटर लंबा एरिया है, तो अपना एयरपोर्ट कहाँ से होगा? इनका कोई अपना एयरपोर्ट नहीं है। ये मेरी बस आ गई है, 12 ही लगी हुई है। वदुत्स। या ओके। सरगन से त्रुबैक ब्लेजर, ये 3 स्टेशन पर वदुत्स पोस्ट। ठीक है यार, बस भी लाजवाब है इनकी। मतलब है इंडिया में भी ऐसा ही है मामला सारा बसों का, लेकिन काफ़ी साफ सुथरी सी नई सी बसें लग रही हैं इनकी, जैसे आज ही गोदाम से निकाली हो इन्होंने, और बड़ी साफ़ सुथरी है ये देखो। अबे यार, अभी बहुत बड़ा मसला पड़ गया था, मैं आपको अभी बस में बैठ के बताता हूँ। मैं बस में से उतर गया था, ये बताता हूँ क्या हुआ। मैंने एक्चुअली गलती से ऑनलाइन ऐप में चेक कर रहा था, मुझसे टिकट परचेज हो गई दोबारा सेम वही ज्यूरिख से वदुत्स के लिए। तो एक्चुअली इसमें ऐप में क्या है, आपको कोई अपनी कार्ड डिटेल भी नहीं दोबारा डालनी पड़ती, कार्ड मेरा सेव्ड है। मैं चेक कर रहा था, मैंने प्रोसीड किया, वो सीधे पेमेंट हो गई, मुझसे कोई कार्ड की डिटेल नहीं मांगी। तो यही ऑफिस है इनका साथ में, तो मैं ऑफिस में मैं भागता हुआ गया। मैंने कहा मेरे से ना गलती से टिकट डुप्लीकेट टिकट ली गई है, तो उन्होंने मेरी टिकट कैंसिल कर दी और ये मेरे को रसीद दे दी है कि मेरे कार्ड में पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जितने भी कटे हैं। ऊपर से मेरी बस चलने का टाइम आ गया था, ये मैंने ड्राइवर को कहा था कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, कहते आपके 5 मिनट 30 सेकेंड है, क्योंकि उनकी घड़ी में उतना ही टाइम दिखा रहा था ना बस चलने के लिए। भागता अंदर गया, करवा कर आया हूँ और फिर ये काम हुआ। मतलब गलती हो गई थी, लेकिन हेल्प की उन्होंने अंदर पूरी, जो अंदर सर्विस सेंटर इनका बना हुआ है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कार्ड में जब पैसे आए नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आ जाएंगे। कुछ
कुछ वेबसाइटों के भी नाम लिखे हुए मैंने डॉट आई एल देखा था, एल आई करके कुछ लिखा हुआ था। लो जी, एक नए देश में, उस देश की राजधानी वदूस में पहुंच चुका हूं और इस जगह बस ने उतारा। एक्चुअली वदूस जब आप ये बस एंटर करती है ना, उसके अंदर कई स्टॉप आते हैं, लू रीस पेटल, ये पोस्ट है स्टॉप, मतलब कई स्टॉप हैं वदूस के अंदर, आप कहीं भी उतर सकते हो। इस कंट्री को एक्सप्लोर करना है, अब एक्सप्लोर करके शाम को वापस भी आना है क्योंकि एक दो घंटे में एक्सप्लोर हो जाएगा। वैसे एक बार बताऊँ, बहुत खूबसूरत कंट्री लगा मेरे को जितना मैं बस में आ रहा था, बस में ट्रैवल कर रहा था। थोड़ा सा ना पुराना जो विलेज लुक है वो आ रही है, और ऑब्वियसली विलेज है तो नेचर के नज़दीक है, बहुत ग्रीनरी है यार यहाँ, बहुत ज़्यादा। लिचेनस्टाइन एक और खुद एक चीज़ के लिए बड़ा मशहूर है और वो है बैंक्स। यहाँ बहुत बैंक है, और किसी ने तो मजाक में ये भी कहा था कि अब अपना पैसा छुपाना है ना तो लिचेनस्टाइन में रख दो कहीं किसी बैंक में। लिचेनस्टाइन में आके मैंने कुछ शॉपिंग की है, यहाँ से कुछ सामान लिया है अपने लिए। जैसे कुछ कुछ मुझे रेट ना स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले कम लगे, जैसे आलू बड़े सस्ते थे यहाँ, आलू थे कुछ 240 रुपए किलो, तो थोड़े से आलू लिए। टमाटर भी सस्ते हैं यहाँ, टमाटर 300-350 रुपए किलो हैं, थोड़ा बहुत वो लिए टमाटर। और प्याज बड़ा सस्ता है, वो तो स्विट्ज़रलैंड से आधे रेट पे है, 210 रुपए किलो। और साथ में एक ब्रेड ली है, ब्रेड भी सस्ती है, जो ब्रेड मेरे को 350 रुपए में स्विट्ज़रलैंड में मिल रही है वो लिचेनस्टाइन में मेरे को मिली है 125 रुपए की। कुछ अपने साथ ना सुबह सुबह मैं सैंडविच बना के लाया था स्विट्ज़रलैंड से, मतलब ज्यूरिख से, वही है, उसमें टमाटर चीज़ और लेट्यूस और ये बस हरे भरे पत्ते डले हुए हैं, वो मैं खा लेता हूँ यहाँ बैठ के। और फिर अभी टाइम कितना हुआ है, 4:45 बजे हैं, तो 7:30 बजे तक तो वापसी ट्रेन चलती रहती हैं, अभी 4:45 बजे हैं तो 5:30-6 बजे मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो ये है जी लिचेनस्टाइन का तो ये है जी लिचेनस्टाइन का मेन बस स्टेशन, बस इतना सा। वो ऊपर जो देख रहे हो ना वो है वदूस कैसल, यहाँ की बेहतरीन सबसे बड़ी टूरिस्ट स्पॉट। तो उस तरफ जाने की मैंने कोशिश की थी यहाँ से, पता नहीं कहाँ घरों में से ले गया था गूगल मैप, तो उसका रास्ता बार बार ये दिखा रहा है, कहीं और का तो कोई दिखा नहीं रहा, इसलिए मैं तो कोई रिस्क नहीं लूँगा कोई अनजाने से रास्ते में जाके इस वक्त जंगल जंगल में कहीं फंस जाऊँ मैं। ये है जी सिटी ट्रेन, 10 CHF 10 फ्रैंक लेगी और आपको एक शहर का चक्कर लगवाएगी एक घंटे का। एक मैंने यहाँ खासियत ज़रूर देखी है कि जितना भी आप जगह जगह घूम लो, ये ऐसे के पौधे ज़रूर लगे हुए हैं और कलरफुल है, मूवी हर तरफ लगे हुए हैं, ये क्या कहते हैं इनको, यह है जी ओल्ड टाउन।